मैम जी बेटा, आई कैन हियर यू नाउ। पहले नहीं आ रही थी आवाज। कैन यू सी द स्क्रीन? कैन हियर यू। मैम हल्का हल्का नजर आ रहा है। मैं अपने रजिस्टर से पढ़ देती हूँ, अगर आपको जहाँ डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने लिखा है। पहले मैम है इंट्रोडक्शन जी, देन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, स्टेट ऑफ वुमेन, नहीं कोई स्टे, बात यह नहीं, है द कोई बात नहीं, स्टेट मुझे ऑफ इतना नहीं, तेलंगाना। नहीं मुझे अब नजर आ रहा है, बेहतर हो गया। मैंने उसको एडिट कर लिया बेटा। ओके इंट्रोडक्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम, फिर है आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम शाबाश, क्लासिफिकेशन आ गई है ना। नहीं, जी। एकदम से आप पाकिस्तान पे कहाँ चली गई? नहीं, एकदम से तो नहीं, पर टॉपिक क्या है? स्टेटस मुझे टॉपिक नहीं सही नजर टॉपिक आ रहा है द है। स्टेट ऑफ वुमेन्स राइट इन इस्लाम, ओ सॉरी, इन पाकिस्तान। ओके, इंट्रोडक्शन। पहले आपने वुमेन एज जेंडर बताना है जनाब, अच्छा ठीक है? लाइक टर्म में जी, व्हाट इज व्हाट में क्या बताया। उसके बाद आपने हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल में जाना है। ओके ये हिस्टोरिकल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, बिफोर ठीक है, एंड आफ्टर, फिर करंट स्टेटस में बाद में, क्योंकि ये आप रोल्स और हिस्ट्री दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो करंट सिनेरियो आ जी, जाएगा। ओके हिस्टोरिकल, करंट, एंड देन कम्स एट द नंबर 3, लाइक ये रेपिटेशन हो जाएगी। अगर आप ये कह दें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान एट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे मेरी बात? जी जी मैम, अच्छा, और आपने ये करके मुझे टाइप करके भेजना है, मैं उस पे ही एडिटिंग करके आपको वापस भेजूंगी। ओके मैम, सही है। दोबारा नोटिंग करें अपने पास इंट्रोडक्शन, ये मैं ओके आपके लिए इधर लिखने लगी हूँ। मुझे ठीक है ये सही मैम, वाला चाहिए बेटा, लाइक इस तरह वाला नहीं ओके चाहिए कि आप टाइम जाया करें। इंट्रोडक्शन, व्हाट जी इज मेंट बाय वुमेन एज जेंडर, ठीक है, इट्स सही रोल एंड सिग्निफिकेंस, सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। ओके, ये हिस्टोरिकल अब पर्सपेक्टिव ये देखिए, है। अब ये दो तरह के उसने मांगे हैं ना, इन इस्लाम। नहीं, इन पाकिस्तान की बात की है मैम, इस्लाम तो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, चलो फिर नहीं लिखेंगे, मुझे फिर लगा शायद नहीं उसने लिखेंगे। ही हाईलाइट किया। मैं देख ले, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि मैं उसके वर्ड्स से जो उसने गिवन टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही लिखती हूँ। अच्छा अच्छा, सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद आपने जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, ठीक Yes. एक मिनट। Yes. अच्छा, ये चूंकि डिस्क्रिप्टिव है तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स बनाने के बजाय हम क्लासिफिकेशन देंगे, ये थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको हर तरह के जो टॉपिक है ना उनको लाइक अटेम्प्ट करने का वे बता रही हूँ। ओके मैम, अच्छा मैम, डिस्क्रिप्टिव में भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती ना होती है, सब कुछ होता है, जी? आर्ग्यूमेंट्स वाला पार्ट चेंज होता है।
अच्छा लाइक अभी इसमें क्लासिफिकेशन होती है। तो दोबारा टॉपिक दिखाएं यहाँ पे आपका, एक मिनट। ये मैंने सॉरी पेंसिल से लिखा हुआ था, द स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान। बेटा प्लीज थोड़ा प्रेजेंटेबल कर लिया करें, मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरे कैमरे इशू है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। पूछो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। नंबर 5, अभी मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, पता नहीं शायद चला गया। द स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान, अब ये क्लासिफिकेशन है एट रिलीजियस लेवल, अच्छा ठीक। लाइक उसमें आप बताएंगी हिंदू और ट्रीटमेंट, लाइक हर एक का अलग अलग बताएंगे। हिंदूज क्रिश्चियन वो अपनी वाइफ्स को या एज अ वुमेन लोगों को कैसे रखते हैं, एज अ प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल राइट नहीं है एंड ऑल स्टफ। एट है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकली भी बहुत मैटर करता है वुमेन का स्टेटस, वो कैसे मैम, मतलब जो जैसे अमेरिका में वुमेन को ट्रीट करने का वे डिफरेंट है, और पाकिस्तान में, कश्मीर में, पाकिस्तान ओके में, डिफरेंट इवन है। विद सही इन सही रीजन डिफरेंसेस है। और ओके इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग और इट डिपेंड्स ऑन एरिया। अच्छा, उसके ओके अलावा आप इसको कह सकते हैं एट कंट्री लेवल, जियोग्राफिकल और कंट्री में ये फर्क होगा, इसमें रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन ये आ जाएगा। यस मैम, ये सब आ रहा है। ठीक अच्छा जी, उसके अलावा एट जिसको कहते हैं ना एयर रोल एंड बिहेवियर, क्या था वो टर्म थी इसके लिए, जेंडर आइडेंटिटी। इसमें आपके पास आ जेंडर। जाएगा लाइक एज मदर, एज डॉटर, एज वाइफ, ठीक है, एज सिस्टर, जो मेजर अच्छा रिलेशन है। ठीक है, वो राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे यस पास मैम यहाँ पे समझ जगह कम है, रही। मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी 1, 2, 3 रोमन्स वाले में, ठीक है। अब ये 4 कैटेगरीज हो गई हैं, तो हर एक के नीचे 2 लिखोगी तो कितनी हो जाएंगी, 8। समझ आ गई, टोटल 8 लिखनी होती है। अच्छा जी, ओके मैम एक प्लीज, सेकेंड, इसको रिपीट करते हैं आप। ये 4 कैटेगरीज हर उसके नीचे होंगी, सब हेडिंग्स, हर नहीं नहीं मेन ये हेडिंग के देखिए नीचे। ना, एड रिलीजियस लेवल के नीचे 2 लिख देंगी आप, दो दो दो, अच्छा तो कितनी हो गई, ओके 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 होगी ना, टोटल 8 सही सही लिखनी है ठीक आपने। आप लोगों से बेसिक मैथ्स भी कराते हैं। कॉजेस बिहाइंड द पुअर या डिबिलिटेटिंग, जो उसने वर्ड यूज किया ना हमने वो ही करना है। अच्छा मैम उन्होंने राइट्स पूछे इन पाकिस्तान, वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान स्टेट। उसी की बताने लगे। ठीक अब ये राइट्स कौन कौन से हैं, मतलब कॉजेस क्या हैं जिसकी वजह से उनके राइट्स नहीं पूरे हो रहे। एक तो मिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक मिनट, बच्चा बच्चा, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नहीं, इसका मैंने मैम ले लिया स्क्रीनशॉट, आप भले इसको असल में मैं इसका कंट्रोल ठीक। वो टाइपिंग वाले में भी रखूंगी ना, क्योंकि अब पिक्चर से फिर वो असिस्टेंट को देती हूँ, वो ट्रांसक्रिप्ट करता है, वो इतना हैसल हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादातर टाइप ही करती हूँ ताकि इसको रख लूँ, प्रिजर्व कर लूँ बाकी लोगों के लिए। अच्छा,
क्योंकि अब तक मेरा ख्याल है 6 ईयर्स में अगर मैं रोज भी ऑन एवरेज भी हर दफा डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाती हूँ, हर दफा ऑन एवरेज भी अगर मैं दो रोज के लिख रही हूँ, तो अब तक तो हमारे पास अगर मतलब उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन होता तो हफ्ते में 4 तो उसको मल्टीप्लाई करें कहाँ से कितनी हमारे पास हो सकती थी। लाइक एक वो जिसको कहते हैं ना एक अथॉरिटी बन सकती थी कंप्लीट एक वो हर चीज के लिए। तो इसीलिए अब मैंने करना शुरू कर दिया, पर्पस भी यही था वेबसाइट का। रात को भी मैंने 2 अपलोड करवाई हैं, देखी है आपने? यस मैम, देखी थी मैंने एक तो आपके वाली मेरा ख्याल है वो कंप्लीट की है, नहीं जी आपकी मैम। वाली नहीं, 2 रात को एडिशनल लिखी है, वो आप परसों थी आपकी वाली, कल मैंने 2 और लिखे हैं और वो फिर स्टूडेंट ने मुझे मैम आपने आइडिया एक दिया मेरी भी था। डाली है कल, अच्छा आपकी भी आपने डाली एक है, मेरी भी डाली है दो और भी हैं, जी। दो और भी हैं, टोटल 3 डाली हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस में सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा और बताएं। रिस्ट्रिक्शन इन एजुकेशन और लिमिटेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पे। जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस और क्या कॉजेज है, उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है। स्टीरियोटाइप, तो मैम रिस्ट्रिक्शन भी है एजुकेशन, यानी वो स्टीरियोटाइप्स एंड मेल चौवनिज्म, स्टीरियोटाइप एंड कल्चरल हिंड्रेंस, इसमें सारा कुछ एजुकेशन वगैरह का आ जाएगा। ये जो मैं आप ये बताने लगी ना, मेल चौवनिज्म एंड इन सोसाइटी, गॉट इट? यस मैम, आर यू विद मी? टोटल ये यस 5 मैम। कॉजेस, 4 हो गए हैं। उसके अलावा और क्या वजह है? डिप्राइविंग देम फ्रॉम द राइट ऑफ एजुकेशन, यस, और लिमिटेशन पॉलिटिकल वे में और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आपके पास कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है लेकिन मैं इसको कर देती हूँ, डिप्राइविंग ठीक द है राइट मैम ऑफ एजुकेशन। 5 पूरे हो गए बेटा, चले जी, आपका सही, दिल है तो 6ठा भी लिख देते, वैसे 5 से ज्यादा नहीं लिखने चाहिए पांच कोई, ठीक है, ओके बस सही क्योंकि वो फिर हमारे से एग्जैक्ट 3,000 वर्ड्स बनेंगे। लाइक मैंने इतना सही। कैलकुलेटर रखा हुआ है कि इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे ना, एग्जैक्ट 3,000 जो है ना वो वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा उसके अलावा और क्या है? डिप्राइविंग द राइट ऑफ एजुकेशन। अच्छा इम्पैक्ट्स लिखने हैं, व्हाट, अब ये पॉजिटिव चीज हाँ, बतानी क्योंकि अब नेगेटिव हो गया काफी, व्हाट वुड बी द पॉजिटिव अब इम्पैक्ट्स इन ऑर्डर टू वाउटसेफ दी राइट्स। समझ आ रही है बेटा? जी अच्छा अब ये बताए, अब ये बेहतर तो यही होता है कि वैसे हमने ऊपर क्लासिफिकेशन कर दी, अदरवाइज में एक में कॉजेज में या क्लासिफिकेशन होती है इम्पैक्ट्स में, तो लेकिन ऊपर हमने ये डिस्क्रिप्टिव था तो ऊपर ही अच्छी खासी हमने उसकी कर दी है क्लासिफिकेशन, तो देर इज नो अदर नीड। ओके तो अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो हम इसको लेके चल सकते हैं, वो आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, वो पार्टिसिपेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है वोट होगा, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अच्छा सोशली क्या इम्पैक्ट के पड़ेगा? अलावा क्रिटिसिज्म नहीं होगा पाकिस्तान हाँ पे, और रेपुटेशन पे। सोशली क्या होगा कि वो अपने राइट्स को देखेंगी, वो अपने डिसीजंस अच्छे करेंगी, वो लाइक वो 40 डिग्रीज हो लाइक जाएगी। दे विल गेट टू नो अबाउट देयर बॉडी राइट्स जो भी होते हैं, लाइक राइट ऑफ अबॉर्शन एंड ऑल स्टफ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी मैम, वो उनको एडवांसमेंट इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। करेंगे तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा ये चलाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। इसका अच्छा मैंने मैम ले लिया, इसका नहीं इंक्रीमेंट नहीं बेटा दोबारा ले मैं लेती। ये कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके रख लेती हूँ। अच्छा अभी तो वैसे चल रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आ गया, उसके अलावा क्या आया हमारे पास? कल्चरल, अच्छा कल्चर हो जाएगा, एक दूसरे की हेल्प करना, कॉपरेशन, वुमेन्स सही को अगर लाइक फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे पास ऑफिस में अगर, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ तो अगर कोई लड़की या लेडीज या कोई आती है तो
मैं उनको प्रायोरिटी देती हूँ और उनका काम पहले करती हूँ, और लाइक ये इट्स अ वन और अनदर वे ऑफ गिविंग एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके बाद अच्छा इससे रिलेटेड स्टेप्स भी लिए गए ऑलरेडी, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, दिस गवर्नमेंट ने सॉरी स्टेप्स मैंने लिए हैं कुछ? कुछ गलत कर दिया, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन इन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट। इसमें मैम आ जाता है अब एस्टेब्लिशमेंट इसमें ऑफ आ वुमेन जाएगा, इसमें आ वेलफेयर, जाएगा जो, सॉरी आप क्या कह रही हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री। अच्छा अच्छा इसमें ये भी आ जाएगा, ये जो अभी जो बिल पास हुआ था एसिड टैक्स से रिलेटेड, मुझे माइंड से निकल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का आ जाएगा, ओके अच्छा फिर क्या आ जाएगा और बताएं बेटा। और मैम 30 इसके अलावा डिफरेंट कमीशंस ऑन वुमेन राइट, 33% सीट्स इन पार्लियामेंट। एक स्टूडेंट कहते हैं ना, इसलिए किसी कभी भी हमेशा हिफाजत की। अभी मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, मैंने आज ग्रुप में मैसेज किया था ना, स्टूडेंट्स वगैरह क्लास ले नहीं रहे और लाइक किसी और को सीट भी नहीं दे रहे, तो फिर जी मैंने आज मैम, मैसेज किया था। अभी इसका मैसेज आया कि वो एक लड़की जो मेकुर है तो लाया ना स्टूडेंट, वो स्टेयर से गिरी है और वो इतनी ज्यादा उसका सर फट गया और उसकी हॉस्पिटलाइज है, लाइक उसकी काफी तबीयत खराब है, यानी उसकी कोई बॉडी पे चोट से भरा है। कमीशन ऑफ क्या है, क्या हाँ, डिफरेंट कमीशंस ऑन वुमेन राइट। डिफरेंट कमीशन फॉर वुमेन्स वुमेन्स राइट, राइट? अच्छा जी, और तीन बस लिखनी होती है। एक और मैम, 10% इंक्रीज इन कोटा फॉर वुमेन, ऑफ वुमेन फॉर चलो सीएसएस, ये भी ठीक डाल है, सकते हैं। इंक्रीज इन कोटा 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 ऑफ वुमेन, फॉर वुमेन। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये पूरा पेज पे ही आ गया है, मैयर्स मैम अच्छा जी, मेयर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द राइट्स ऑफ वुमेन वुमेन इन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसमें आ जाता है ठीक है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मैं उसका यहाँ पे क्लासिफाइड वर्जन करूंगी ताकि एट माइक्रो लेवल, स्टेप्स एट माइक्रो लेवल, एक्शंस ओके एट माइक्रो लेवल, एट मैक्रो लेवल, ओके ठीक है, और लास्ट पे करूँगी। अब यही चीज मैंने इतनी दफा वीडियो अपलोड्स की हुई है, मेरा ख्याल है उसमें वुमेन और स्टेटस वगैरह वाला भी होगा, कंट्रोल है कंट्रोल, इससे पहले क्यों चला जाए। मैम, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँ, थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे ना, मैं खैर मैं इसको सब्सक्राइब, आपको ही भेजूंगी, ये जरा नहीं चलो मैम इधर ही मैं ले लेती हूँ, इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप कर लेना, मैं इसके बस चलो लेना। चलो 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 चला जाएगा, 1 मिनट मैं एक फाइल में सेव कर लूँ।
अच्छा मैम, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। आपने जो बताया ना कि फॉर्मूला है, वो मुझे मैम उसकी की हेडिंग्स जो है ना वो प्लीज मुझे कौन सा दे। फॉर्मूला? तो जैसे आपने कहा ना इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट नीचे बेटा वाला। वो सिखाऊंगी, वो 2 मंथ्स का सेशन है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, टेंशन नहीं, डोंट तो वो वरी। मुझे उसमें, मैंने कहा अगर उस पर मैं काम कर लूँ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, साथ साथ में सब कुछ इकट्ठा नहीं ना करें आप, मैं सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ठीक। सब सब आपको कराऊंगी, यही तो करना है, सब कुछ यही तो प्लान है बेटा, यही तो प्लान है। हर चीज बहुत कैलकुलेटेड है, 2 मंथ्स के सेशन में सब कुछ कवर हो जाता है। अच्छा जी, ये आपने भी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा इसको, मैं किस तरह इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो ये इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है? ठीक कैन यू सी? मैम, नीचे के दिख नहीं रहे, सिर्फ 6 तक के, वहां तक तो वो मैंने बेटा ले मैंने लिया सेव वैसे। कर लिया, वो मैं आपको भेज दूंगी, उसका रखना है तो रख लो, मैं अभी आपको व्हाट्सएप ही कर रही हूँ उसका सोल्यूशन, सही है, मुझे आप व्हाट्सएप कर ठीक है? मैं देंगे। व्हाट्सएप कर देती हूँ इसका सोल्यूशन, ओके मैम, क्योंकि ठीक है। ये पीसेस में है तो ये नहीं आपसे होगा इस तरह से, अब समझ नहीं आएंगे आप। ओके मैम, फिर इसके अलावा मैं अब प्रेसीज है वो इंशाल्लाह मैं आपको करके, ठीक जी ठीक है, अब है मैम, ये अब इंशाल्लाह। कल से हम प्रॉपरली अब इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन, अब आउटलाइन तो हो गई ना, अब ये साथ साथ होती रहेंगी, अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, कल से मैम, ठीक है अब लाइक ऐसे का हो गया ना, जी बेसिक मैम, हो गई है, पैराग्राफ सही है? ठीक है सही है। ओके कौन चला ओके गया? वही बोल, चले ठीक है बेटा, फिर लिया था कोई स्क्रीनशॉट तो मुझे भेज दे क्लास मैम, स्क्रीनशॉट इसका, ये का। वो मैम आपने कहा मैं सेंड कर दूंगी, मैंने अभी उसका पहले का लिए थे, 6 पहले पॉइंट्स के जो ही दे दो, आपने। चले ठीक है, वो मैं भेज रही हूँ आपको, ठीक है मैम, आप व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। जी ओके ठीक है, ओके, थैंक अल्लाह हाफिज़। यू मैम।